लिखा हुआ है सुग्रीव गुफा, जिसके शासन काल वानर सुग्रीव थे हम्पी की पहाड़ियों। यहाँ पे एक गुफा है, ये सुग्रीव गुफा। भाग गया इधर छुप जाता ये गुआ में। बोले कुछ सुग्रीव झड़ा झड़ी झगड़ा गदा गदा वो जाता ना, तब बस सुग्रीव इधर आके छुप जाता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारा नाम महेश है। आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं उस स्थान तक जहाँ पे भगवान श्री राम पहली बार मिलते हैं हनुमान जी से। तो उस स्थान तक हम चलेंगे। अभी हम अपने रूम पे हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, तो बेंगलुरु से ट्रेन है रात को 9:40 में है। इधर से चलते हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ से हम चलेंगे। और दोस्तों अभी हम हैं बेंगलुरु सिटी में, और बेंगलुरु सिटी कहे तो मजिस्ट्री के लिए आपको हर सिटी से मिल जाएगा बस। यहाँ पे अभी हम कुंदनली गेट पे हैं और यहाँ से हम जाएंगे मजिस्ट्रिक। इसा रहे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ से हम बस पकड़ेंगे और बस से हम चलेंगे केसर बेंगलुरु और वहाँ पे चल के मिलते हैं। दोस्तों ये है मजिस्ट्रिक बस ट्रेन, जो यहाँ से जो रेलवे स्टेशन जो है मात्र 700 मीटर के दूरी पे है। और गाइस अभी जो है हम स्टेशन के पास में है। यहाँ पे जो ये स्टेशन जो है क्रांति संगनोली रानायन स्टेशन का नाम है, पीछे क्रांति संगनोली रानायन। अभी हम इस स्टेशन के पास हैं और गाइस ये है मेन गेट। कुछ इस तरह से स्टेशन का नज़ारे हैं, बहुत ही सुंदर है स्टेशन। प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 पे अभी हम बैठे हैं। यहाँ से ट्रेन है जो हम जो कटाए थे, जो केसर बेंगलुरु और हॉस्पेट जंक्शन तक जाते हैं ट्रेन यहाँ से। तो हम चलेंगे पहले हॉस्पेट जंक्शन। और गाइस ये है क्रांति संगनोली रानायन रेलवे स्टेशन। बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं रेलवे स्टेशन का। 2-4 मिनट और वेट करना है, ट्रेन आने का समय भी हो गया। अभी जो है यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक हो गए, ये देखो, और भीड़ हो गया बहुत ज़्यादा। जब ही आया था उस समय में भीड़ नहीं था, अभी हद से ज़्यादा हो गया। फिर ट्रेन आने वाला है मत 2-4 मिनट के बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम पहुंचे हैं हॉस्पोटे रेलवे स्टेशन। जिस समय आया था राम भगवान सीता के खोज में, तो जिस समय आया था तो हनुमान जी से फर्स्ट बार मिला था, तो उस स्थान तक हम जाएंगे। ये है रेलवे स्टेशन जो हॉस्पोटे जंक्शन है। हम आए थे केसर बेंगलुरु से, कल हम पकड़े थे शाम नाइट को, 7 से 8 घंटा का रास्ता था। तो हम अभी आए इस हॉस्पोटे जंक्शन के पास, जो अभी सुबह के 7 हो रहे हैं। इधर से चलते हैं उस स्थान तक जहाँ पर प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से मिले थे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना है। चलते हैं और मिलते हैं आगे के वीडियो में। और दोस्तों ये है हॉस्पिटल जंक्शन। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जैसे हनुमान जी और राम जी का स्टैचू। यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर के दूरी पे हम्पी है। पहले चलेंगे हम्पी सर और पहले दिखाते हैं यहाँ का तस्वीरें किस तरह से दिखे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये मंदिर दिखे जाते हैं। इस साइड जो है हनुमान जी का है। इस साइड एक बार चल के देखते हैं जहाँ पे हनुमान जी बैठे हुए हैं, एक बार दिखाते हैं यहाँ का नजारे। फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं, बहुत ही सुंदर नजारे। इस साइड जो है इस साइड में स्टैचू सब बने हुए हैं। इस साइड चल के देखते हैं, उस साइड में बहुत सारा स्टैचू है मंदिर सब का, जो रंग पेंट करके रखे हुए हैं। एक बार वहाँ पे चल के देखते हैं गाइस। जैसा कि गाइस यहाँ पे जो है, यहाँ पे है लेकिन ये है ना, ये किला है, लेकिन ये जो है यहाँ का लोकल लैंग्वेज होता है, कर्नाटका में लिखा हुआ है। कई सारे हैं, यहाँ पे भी एक मंदिर है, कुछ इस तरह से दिखे जाते हैं, पूरा वहाँ पे लिखे हैं। एक बार दिखाते हैं और फिर इधर से हम चलेंगे, जैसे कुछ इस तरह से दिखे जाते हैं। हनुमान जी का तस्वीर है, उस साइड मंदिर है, इस साइड एक बार चल के देखते हैं। यहाँ पे भी है ये किला, ये सब किला ही है।
ये सारा किला पे घूमेंगे। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मालूम नहीं चल रहा है कौन कौन किला है, वहाँ पे चल के देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और इधर सामने में ही है होस्पेट जंक्शन, इस साइड देखेंगे, इस साइड है होस्पेट जंक्शन। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं स्टेशन का, कुछ इस तरह से दिखे जाते हैं। तो गाइस रेलवे स्टेशन से जो है बस नहीं था, हम आ गए थे तकरीबन 1 किलोमीटर के दूरी पे बस स्टैंड है जो होस्पेट बस स्टैंड है। हम अभी बस स्टैंड के पास हैं, यहाँ से मिलते हैं हम्पी के लिए बस, यहाँ से 25 रुपये लेते हैं। वहाँ से जो ऑटो वाला हमको बोल रहा था कि 300 रुपये दो भाई हम तुमको छोड़ देते हैं, फिर हम बोले नहीं हम नहीं देंगे, हम जाते हैं बस स्टैंड। और अभी हम बस स्टैंड में हैं और यहाँ से हम चलेंगे। और गाइस हम जो आए थे इधर से आए थे, फिलहाल इधर का नज़ारे जो है बहुत ही खूबसूरत है, कुछ इस तरह से दिखे जाते हैं। सामने एक मंदिर दिख रहा है, चलते हैं इस मंदिर के पास और देखते हैं, ये मंदिर दिखाते हैं। और इधर का नज़ारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये पत्थर सब जो रखा हुआ है। चलते हैं पहले उस मंदिर के पास और दिखाते हैं वो मंदिर किस चीज़ का, वो मंदिर है गाइस। और गाइस यहाँ पे जो है ना अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ देखो। और सामने मंदिर है, चलते हैं मंदिर के पास। और गाइस यहाँ पे तो मंदिर है, ये मंदिर जो है मंदिर का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मंदिर का नाम नहीं मालूम किस चीज़ का ये मंदिर है गाइस। चलते हैं पास में और देखते हैं पास में चल के। ये देखो गाइस महिंद्रा ट्रैक्टर। और गाइस ये मंदिर जो है, ये मंदिर आपको सीमेंट से और ईंट से जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा, ये कुछ ही ऐसा पत्थर से बनाया गया है इस मंदिर को, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही बड़ा है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिखा देते हैं। इसका ये मेन गेट है जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है, ये तालाब जो है बहुत ही पुराना लग रहा है दिखने में, जो कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू है। और सामने आप सभी को मंदिर दिखता होगा, बहुत ही खूबसूरत नदी है दोस्तों, ये है तुंगभद्रा नदी। आज की इस वीडियो में यही तक हमारा यात्रा रहेगा दोस्तों, ये है तुंगभद्रा नदी। यहाँ से हम स्नान करके फिर हम चलेंगे उस स्थान तलिक जहाँ पे प्रभु श्री राम जी आए थे और हनुमान जी से फर्स्ट बार मिले थे। तो यहीं पे इस वीडियो को हम एंड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करेंगे और दिखाते हैं आप सभी को राम भगवान और हनुमान जी का मिलन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाते, इसीलिए यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इससे पार होके हम चलेंगे उस पार, और उस पार चल के हम दिखाएंगे आप सभी को जहाँ पे प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था।